हे गाइस, क्या हालचाल। क्या आप भी कंफ्यूज हो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से एसएसडीज देख के कि क्या इन्हें लेना सही होगा या नहीं। काफी ल्यूक्रेटिव प्राइसिंग पे तो आते हैं, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो जैसा कि मेरे वीडियोस का स्टाइल रहता है, मैं पहले प्रोज के बारे में बात करूंगा, फिर कॉन्स पे आऊंगा। तो पहला पॉइंट है कि इसका प्राइस पॉइंट, ये वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस है अगर आप एसएसडी ढूंढने जाएंगे मार्केट में। एक टाइम पे ये चीपेस्ट ही था, बट फिलहाल ये वन ऑफ द चीपेस्ट है क्योंकि अभी बाकी ब्रांड्स भी कम्पीट करने आ गए हैं इस लोअर सेगमेंट में। एंड ये 2021-22 में ये चीपेस्ट ऑप्शन था, एंड तब मैंने भी दो एसएसडीज खरीदे, एक 256 GB का सेटा एसएसडी एंड एक 512 GB का NVMe SSD टू टेस्ट की एंटी स्पोर्ट्स वालों की तरफ से SSDs कैसे होंगे। तब ये नया ही आया था मार्केट में। सो मैंने ये सितंबर के महीने में परचेस किया था 2022 में, एंड एक महीने के गैप में परचेस किया था। पहले 256 GB का सेटा SSD लिया था, फिर बाद में 512 GB का NVMe SSD लिया था। तो अभी तक ये दोनों SSDs बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी 2024 का सितंबर है, एंड अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने मेरे और वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं इन दोनों SSDs को ही एज माई प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करता हूँ, एंड अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दूसरे SSDs में देखेंगे कि ये 240 GB, 500 GB ऐसे करके आपको SSDs मिलते हैं। कहीं कहीं पे आपको 480 GB भी देखने को मिलेगा। बट एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से जो SSDs आते हैं वो सिमिलर प्राइस पॉइंट में होने के बावजूद भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप देखेंगे कि ये 256 GB का है या फिर 512 GB का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टोटल स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। लाइक जहाँ पे आपको 240 GB मिलना था वहाँ पे आपको 256 GB मिल रहा है, जहाँ पे आपको 500 GB मिलना था वहाँ पे आपको 512 GB मिल रहा है। तो आपका टोटल स्टोरेज साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका टोटल यूजेबल कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। सोच लीजिए कि आपने एक क्रूशियल का SSD उठाया है जिसमें 240 GB है, तो उसमें आपका फ्री यूजेबल स्पेस होगा 221 GB ऐसा करके। बट अगर आपने 256 GB उठाया है एंटी स्पोर्ट्स का, तो उसमें आपको 243 GB फ्री मिलेगा। अब ये स्पेस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मैं अगर 512 GB का भी बात करूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे 480 GB मिलता है, 512 GB में आपको 493 ऐसा करके मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट आप एक बार तो दिमाग में आपके आया ही होगा, अगर मुझे सिमिलर सा प्राइस पे करना पड़ा है तो मैं ज़्यादा स्टोरेज वाला क्यों ना लूँ। तो ये एक और प्रो बन जाता है एंटी स्पोर्ट्स वालों के लिए कि वो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे वो आपको ज़्यादा स्टोरेज ऑफर कर रहे हैं। एंड अब आ जाते हैं कॉन्स पे। तो पहला कॉन ये है कि आपने स्टोरेज साइज तो देख लिया, बट आपने स्टोरेज का रीड राइट स्पीड नहीं देखा। अगर आप स्टोरेज का रीड राइट स्पीड देखेंगे, कंपेयर करेंगे इसको और ब्रांड्स के साथ, रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ, लाइक सैमसंग का हो गया, क्रूशियल का हो गया, जो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे भी आते हैं एंड उससे हायर प्राइस पॉइंट पे भी आते हैं, लाइक सैमसंग के थोड़े महंगे होते हैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ, उनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे वो जो एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी आपको देखने को मिल रहा है एंटी स्पोर्ट्स में वो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको बहुत अच्छे रीड और राइट स्पीड्स मिलेंगे, जो कि मैं मानता हूँ आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आजकल के जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्टर स्टोरेज मांगते हैं, इसीलिए PCIe 3 से 4 चले गए, 5 चले गए। तो अगर NVMe SSDs जो आप यूज़ कर रहे हैं उनका स्पीड इतना अच्छा नहीं है तो कैसे ही चलेगा। एंड आप अगर देखिए कि आप सिमिलर से प्राइस पॉइंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा GBs मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, बट अगर आपका रिक्वायरमेंट स्पीड है तो वो वहाँ पे काम नहीं आएगा। सिमिलर से प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा स्टोरेज कम करके वो आपको हायर स्पीड का स्टोरेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो ब्रांड ज़्यादा सेंस बनाते हैं, वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेंस बनाते हैं कम्पेयर टू दिस एंटी स्पोर्ट्स के SSDs। तो ये एक कॉन बन जाता है कि भले ही वो आपको स्टोरेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं बट यहाँ पे आपको अच्छे स्पीड्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, एंड बहुत बुरे स्पीड्स नहीं है। लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ सेटा SSDs को तो बहुत बुरे स्पीड्स नहीं है, बट अगर मैं NVMe SSDs को कंपेयर करूँ तो बहुत डिफरेंस है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप देख लीजिए आपको कौन सा लेना है, आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। एंड बजट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में भी लास्ट में बात करूंगा। प्राइसिंग में भी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि लाइक एक टाइम पे एंटी स्पोर्ट्स वाले जो SSDs आते थे उनको फिर भी रेकमेंड किया जा सकता था बिकॉज ऑफ देयर प्राइसिंग, बट अभी के टाइम पे प्राइसिंग की वजह से रेकमेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो फिलहाल के लिए यही पॉइंट है कि आपको अच्छे रीड एंड राइट स्पीड्स देखने को नहीं मिलते।
एंड अब लास्ट कॉन यही है कि आपको पता नहीं है कि कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए, कैसे क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, तो आपके मन में हमेशा ये एक डर बैठा रहेगा कि अगर मेरा SSD कहीं फूक गया तो मेरा डेटा का क्या होगा। तो आप रिलाई नहीं कर सकते उस SSD पे, हमेशा एक मन में डर बैठा रहता है, आपको हर जगह हमेशा बैकअप करके रखना पड़ेगा ताकि आप सेफ रह सके कि आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा। सो रिलायबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता इन SSDs के साथ। अभी कंक्लूजन पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मैंने देखा कि एंटी स्पोर्ट्स का सर्विस सेंटर कहाँ है, मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मैंने देखा गूगल पे जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, वहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स का सर्विस सेंटर नहीं है एंड एंटी स्पोर्ट्स वालों ने ये अपडेट भी नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों, बट उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो बहुत लोग जो विज़िट करते हैं ये प्लेस, उन्होंने लिखा है रॉन्ग एड्रेस, या फिर मैंने बहुत लोगों से बात किया है, उन्होंने भी बोला है कि वो रॉन्ग एड्रेस है, वहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स का सर्विस सेंटर था बट अब नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि फिर एंटी स्पोर्ट्स का सर्विस सेंटर गया कहाँ। तो मैंने कुछ सोचा, फिर मैंने डायरेक्टली एंटी स्पोर्ट्स के चैट सपोर्ट में टेक्स्ट किया एंड उसके रिप्लाई में उन्होंने मेरे को एक्चुअल एड्रेस दिया जो कि एक्रो कंपनी का सर्विस सेंटर है, वहीं पे एंटी स्पोर्ट्स का भी सर्विस सेंटर है, सेम बिल्डिंग में, सेम फ्लोर में। तो आई गेस उनके थ्रू ही सर्विस होता है, मैंने एग्जैक्टली जाके नहीं देखा है तो मुझे पता नहीं है, बट एंटी स्पोर्ट्स वालों ने खुद से मुझे ये एड्रेस दिया है तो मैं इतना ट्रस्ट कर रहा हूँ कि अभी ये एड्रेस फेक नहीं है। एंड मैंने उनको पूछा कि अगर आपका कोई कस्टमर बोलता है कि मेरा SSD अभी इन वारंटी है एंड वो ख़राब हो गया तो क्या आप इसे रिपेयर करते या फिर रिप्लेस करते, तो उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर देते, जो कि मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव हुआ है जो आपको कुछ दिन यूज़ करने के बाद या कुछ महीने यूज़ करने के बाद ख़राब हो गया तो आपको एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट मिल जाएगा कि न्यू यूनिट मिल जाएगा, जो कि मैं मानता हूँ बहुत सही बात है। एंड बट फिर मैंने एक और चीज़ पूछा जो कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि ये सब चीज़ें पॉलिसी के अगेंस्ट है, कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट फिर भी मैंने पूछा कि अगर कस्टमर उसका कंसेंट देता है तो क्या वो डेटा रिकवर करके दे सकते हैं, क्योंकि कई बार आदमी बैकअप नहीं कर सकता, कुछ टाइम पे वो काम कर रहा होता है, काम करेगा, ख़त्म होगा तब ना दिन का एंड में बैकअप करेगा, करते करते ही अगर SSD ख़राब हो गया तो कुछ जो डेटा है जो रिकवर करना ज़रूरी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम अपना कंसेंट दे तो क्या वो रिकवर करके देंगे। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि रिकवरी इज़ नॉट एन ऑप्शन, वो लोग ये काम नहीं करते, तो आपको रिप्लेसमेंट तो मिल जाएगा बट वो लोग आपको आपका डेटा रिकवर करके नहीं देंगे। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे कि क्या आपको एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से SSDs जो आते हैं उनको ख़रीदना चाहिए या नहीं। सो मैं बोलूँगा अगर आप अपना मेन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से एक SSD ढूंढ रहे हो तो आप ये SSDs मत देखो, बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक एडिशनल ड्राइव चाहिए जहाँ पे आप कुछ ऐसे फाइल्स नहीं स्टोर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप जस्ट गेम फाइल्स, गेम इंस्टॉलेशन फाइल्स रखेंगे, तो आप ये SSDs को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो गेम का जो सेव डेटा होता है वो तो सी पे ही होगा। अब सी आपका एक और SSD होगा जो मेन है, सोच लीजिए कि वो क्रूशियल का या फिर वेस्टर्न डिजिटल का है एंड वहाँ पे आप लोग ये सब जो सी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो आप सी ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं। अभी आपका गेम तो कहीं पे इंस्टॉल होना चाहिए, वो इंस्टॉलेशन फाइल वो आप डी या ई पे एक और एक्स्ट्रा ड्राइव रख के जो एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आते हैं, तो वहाँ पे आप ऐसे करके ये एंटी स्पोर्ट्स के SSDs को यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन फाइल अगर कहीं पे आपका SSD ख़राब भी हो गया, आपको एक रिप्लेसमेंट यूनिट मिल जाएगा, पहला चीज़। एंड दूसरा है इंस्टॉलेशन फाइल्स कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं होते, वो आपको फिर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा वो है, बट कंसिडरिंग आप प्राइस देख के खरीद रहे हैं तो आपको थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ये सब चीज़ों के मामले में। तो ये एक चीज़ है एंड सॉरी आज मेरा गला बहुत ख़राब है तो इसीलिए। एंड आप तब भी इन SSDs के साथ जा सकते हैं अगर आप कोई टेस्टिंग वगैरह करते हैं, बेंचमार्किंग वगैरह या फिर गेम टेस्टिंग वगैरह की कैसा ये ग्राफिक्स कार्ड है एंड ऑल, इन सब की चीज़ों में अगर आपका काम है तो आप अगर वैसे टाइप के लोग हैं तो आप इन SSDs के साथ जा सकते हैं, क्योंकि तब वहाँ पे आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन फाइल्स रखने हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फाइल तो आपको रखना नहीं है, तो तब भी ये काम करता है। एंड जो मैं बात बोल रहा था मिडल ऑफ द वीडियो कि प्राइजिंग में अभी सिमिलर सा प्राइजिंग देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे कि क्रूशियल का जो SSDs है वो फिलहाल अभी एंटी स्पोर्ट्स के SSDs से चीप में मिल रहा है, जहाँ पे आपको बेटर रीड एंड राइट स्पीड्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्यों लेंगे वो एंटी स्पोर्ट्स वाला SSD जो कि काफ़ी न्यू है मार्केट में। सो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास ऑब्वियसली बजट में भी ये कमी है, तो मैं बोलूँगा अगर आपके अंदर ऐसा कोई कीड़ा नहीं है कि आपको एंटी स्पोर्ट्स के SSDs को टेस्ट करना है, तो आप फिलहाल के लिए जब तक क्रूशियल के SSDs एंटी स्पोर्ट्स के SSDs के प्राइस के कंपैरिजन में कम प्राइस में मिल रहे हैं,
आप उनके साथ ही जाइए, आप एंटी स्पोर्ट्स की एसएसडीज की तरफ मत देखिए। अगर प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तब आप देख सकते हैं, बट मैंने जो यूज़ केस सिनेरियो बताया, अगर आप उन यूज़ केस सिनेरियोज के लिए जाते हैं तो ही आप एंटी स्पोर्ट्स की एसएसडीज लीजिए। फिलहाल के टाइम पे इसको थोड़ा और पुराना होने दीजिए, थोड़ा और इस ब्रांड को आरएनडी करने दीजिए अपने एसएसडीज पे, थोड़े और रिफ्रेश वर्जन आ जाए उनके एसएसडीज के, फिर आप इन एसएसडीज के साथ जा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये काफ़ी नए हैं तो पता नहीं है कि ये एसएसडीज कैसे है, क्योंकि बहुत लोग रिव्यू पे तो लिखते नहीं हैं। आप देखेंगे कि तो बहुत ही कम रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, एंड इतने कम रिव्यूज़ में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एसएसडीज अच्छा है कि नहीं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी तक ये SSDs बहुत सही काम कर रहे हैं, बट क्या पता आपके SSD में कॉम्पोनेंट सही नहीं हो, आपका SSD जल्दी ख़राब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो इसी वजह से मैं रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रांड इतना नया है ना SSD मार्केट में, मैं खुद ही ठीक से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे SSDs टेस्ट कर लूँ, अगर कभी एंटी स्पोर्ट्स वालों ने मेरे को बहुत सारे SSDs भेज दिए सेम टाइप के, एंड मैं मल्टीपल SSDs टेस्ट कर लूँ, तो मैं शायद रेकमेंड कर दूँ कि हाँ मेरे को 5 यूनिट्स भेजे, 5 के 5 सही काम कर रहे, तब ये हो सकता है। ये एंटी स्पोर्ट्स वाले अगर बहुत जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है लाइक इंडियन गेमर, द इंडियन बजट गेमर, मॉडेक्स टेक, माइनर टेक टिप्स, इनको अगर बहुत सारे SSDs भेजे एंड बोले कि आप साइमल्टेनियसली टेस्ट करके ऑडियंस को दिखाओ कि कैसे वर्क करते हैं हमारे SSDs एंड एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ करो, तो ऐसा अगर वो करे जो रिनाउंड यूट्यूबर्स हैं उनके साथ, तो मैं मानता हूँ कि लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड फिर धीरे धीरे लोग एंटी स्पोर्ट्स के SSDs को ट्रस्ट करने लगेंगे। बट फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई भी यूट्यूबर रिनाउंड हो या ना हो, वो एंटी स्पोर्ट्स के SSDs को रिकमेंड नहीं कर पाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए